एल्बो जॉइंट पे हम बात कर रही थी, मैंने उसको बता दिया कि कौन सा जॉइंट होता है, ये हिंज जॉइंट होता है, कौन कौन से बोन्स मिलके एल्बो जॉइंट बनाते हैं, रेडियस, अल्ना और ह्यूमरस, चार आर्टिकुलेशन होती हैं जिसमें ह्यूमरो रेडियल, ह्यूमरो अल्नर और प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। जो ह्यूमरो अल्नर और ह्यूमरो रेडियल आपका हिंज जॉइंट होता है, बाकी जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल रेडियो अल्नर जो आपका होता है वो पाइवट जॉइंट होते हैं। इसके दो इम्पोर्टेंट लिगामेंट होते हैं, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट और लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। ठीक है, ये पिक्चर मैंने बता दी थी, ऊपर वाली जो है शो कर रही है मीडियल कोलेटरल लिगामेंट को, ठीक है, जिसके तीन पोर्शन होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स। तीन पोर्शन होते हैं, एंटीरियर पोर्शन, पोस्टीरियर पोर्शन और ट्रांसवर्स पोर्शन। ये तीनों मिलके मीडियल कोलेटरल लिगामेंट या जिसको अल्नर कोलेटरल लिगामेंट भी कहते हैं वो बनाते हैं। इसका काम क्या होता है, एक तो मीडियल साइड जो है वो एल्बो जॉइंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, दूसरा वेलगस स्ट्रेस से बचाता है, तीसरा अप्रोक्सीमेशन करवा रहा होता है। नीचे फिगर बी में आप देख सकते हो कि जो है लेटरल कोलेटरल लिगामेंट के भी तीन पोर्शन होते हैं, एक तो ये ऊपर वाला लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, दिस इज द लेटरल अल्नर कोलेटरल लिगामेंट और एनुलर लिगामेंट। ये तीनों मिलकर जो है आपका लेटरल कोलेटरल लिगामेंट या अल्नर कोलेटरल लिगामेंट फॉर्म कर रहे हो, और इनका काम होता है एक तो लेटरल साइड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना जॉइंट को, ह्यूमरस को बैकवर्ड या पीछे जाने से रोकना, और तीसरा जो है वायरस जो है स्ट्रेस से वो आपको इनहिबिट कर रहा होता है, बचा रहा होता है। इसके बाद मैंने ये एक बात की थी कि जो ह्यूमरो अल्नर जॉइंट क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग जॉइंट है, लेकिन अगर वो कभी भी इफेक्ट होता है या उसकी पूरी स्टेबिलिटी है वो जो डिपेंड करती है कोलेटरल लिगामेंट पे। जब भी एल्बो जॉइंट का ह्यूमरो जो अल्नर जॉइंट है अगर वो डिसलोकेट होगा या इंजर्ड होता है तो आपका मीडियल कोलेटरल लिगामेंट भी कम्प्रोमाइज होगा, तो जब तक उसको सेट नहीं करोगे तो आपका जॉइंट वापस स्टेबल नहीं हो सकता। कॉमन मैकेनिज्म ऑफ इंजरी की मोस्टली क्यों होती है, जब आपका एल्बो एक्सटेंडेड और प्रोनेटेड हो, इस पोजिशन में अगर आप गिर जाते हो तो फिर जॉइंट की डिसलोकेशन या इंजरीज कॉमन है। प्रोनेशन मैंने बताया कब होती है, प्रोनेशन तब होती है जब आपका रेडियल हेड जो होता है वो अल्ना के साथ फिक्स होता है और रेडियल शेफ्ट जो है वो रोटेट कर रहा होता है अल्ना के ऊपर, नॉर्मली तब प्रोनेशन होती है। लेकिन उसकी भी एक लिमिट है, एक लिमिट से ज्यादा अगर प्रोनेशन होगी तो जो रेडियल का शेफ्ट रोटेट कर रहा है अल्ना के ऊपर, जैसी बात है वो भी ज्यादा करेगा, कॉन्टेक्ट पॉइंट बहुत ज्यादा बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा तो फ्रैक्चर हो सकता है। ये कुछ कंडीशन बताई गई थी कि अगर ओवर प्रोनेशन होती है, अगर फोर्सफुली प्रोनेशन करवाते हो आप लोग या कोई पेशेंट में ऐसी पोजीशन हो जाती है जिसकी वजह से फोर्सफुल प्रोनेशन हो जाती है, तो उसके नतीजे में क्या क्या इंजरीज हो सकती है। तो नंबर वन, एनुलर लिगामेंट टियर हो सकता है। एनुलर लिगामेंट का काम क्या है, एनुलर लिगामेंट जो है वो रेडियल हेड को फिक्स अपनी पोजीशन में रखना होता है अल्ना के पास, रेडियल हेड जो फिक्स है अल्ना के साथ वो एनुलर लिगामेंट के थ्रू होता है। अगर ओवर प्रोनेशन हो जाएगी या फोर्सफुल प्रोनेशन होगी तो सबसे पहले एनुलर लिगामेंट टूटेगा और वहां पे जो रेडियल हेड फिक्स है अपनी पोजीशन पे वो हट जाएगा, डिसलोकेट हो जाएगा। तो एक ये इंजरी हो सकती है एनुलर लिगामेंट की जिसके नतीजे में रेडियल हेड डिसलोकेट हो सकता है। दूसरा जो है रेडियल शेफ्ट का फ्रैक्चर हो सकता है, अल्नर शेफ्ट का फ्रैक्चर हो सकता है क्योंकि ये दोनों शेफ्ट एक दूसरे के ऊपर रोटेट कर रही है। ओवर प्रोनेशन होगी तो जो शेफ्ट एक दूसरे के ऊपर जहां से रोटेट करें उस जगह से वो टूट सकते हैं, फ्रैक्चर हो सकता है। हो सकता है इंडिविजुअली किसी एक शेफ्ट का हो सकता है, दोनों का हो। अगर ओवर प्रोनेशन होती है तो मोंटेजिया फ्रैक्चर भी हो सकता है। मोंटेजिया फ्रैक्चर होता क्या है, इट इज द फ्रैक्चर ऑफ अल्ना विथ डिसलोकेशन ऑफ द रेडियल हेड एज यू सी इन दिस पिक्चर। ये होता है मोंटेजिया फ्रैक्चर। इसमें क्या है कि आप अल्ना को देख रहे हो शेफ्ट से, ये इसका फ्रैक्चर हो गया है और रेडियल हेड यहाँ से डिसलोकेट हो गया। इसकी भी जो है वो कॉज अगर फोर्सफुली ओवर प्रोनेशन हो जाए तो ये वाला फ्रैक्चर हो सकता है, मोंटेजिया फ्रैक्चर। दूसरी बात, जब भी कोई फ्रैक्चर या डिसलोकेशन होती है तो उसका ट्रीटमेंट यही होता है कि जिस वजह से इंजरी हुई है या जिस पोजीशन में जाने की वजह से इंजरी हुई है उसको रिवर्स किया जाए। जैसे मोंटेजिया फ्रैक्चर की बात हुई या फिर एनुलर लिगामेंट की टियर की बात हुई कि एनुलर लिगामेंट टियर हो जाए तो रेडियल हेड जो है वो वहां से डिसलोकेट हो जाता है। तो मतलब कोई भी अगर इंजरी होती है तो उसका पहले तो कॉज देखो कि कॉज क्या है। अब जैसे अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले जो सारी बताई इंजरीज वो ओवर प्रोनेशन की वजह से हो रही थी, यहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट उनका क्या होगा कि हम उनको सुपिनेशन में लेके जाएं, जो उसकी मैकेनिज्म ऑफ इंजरी है उससे उसको रिवर्स में लेके जाएं। तो ऐसी इंजरीज जिसमें जो हाइपर प्रोनेशन की वजह से होंगी उसमें जो हम मैनिपुलेटिव मूवमेंट्स करेंगे या इमोबिलाइजेशन मतलब प्लास्टर में जो आप रखोगे तो सबसे पहले
एल्बो ज्वाइंट को जब हम असेसमेंट कर रहे होते हैं एल्बो ज्वाइंट की, तो सबसे हम ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं। ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले हम क्या चेक कर सकते हैं, पेशेंट हमारे पास आया है, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिग्री ऑफ द पेशेंट्स डिसेबिलिटी, लेवल ऑफ फंक्शनिंग, पोस्चर, गेट कैन बी ऑब्जर्व। पेशेंट जब आपके पास चल के आ रहा है तो सामने से जैसे वो चल के दूर से जो उसको देखोगे, एक तो पेशेंट की डिसेबिलिटी को देखोगे कि पेशेंट किसी डिसेबिलिटी के साथ तो नहीं है, फंक्शनिंग, उसका पोस्चर, उसका गेट ऑब्जर्व करोगे जब वो आपके पास चल के आ रहा है। The clinician should pay careful attention to the patient's facial expression with regards to the degree of discomfort patient is experiencing. उसको कितना discomfort है, कितना pain है या क्या problem है, वो आपको उसके facial expression से ही अंदाजा हो जाएगा। The clinician should pay careful attention to the patient's facial expression with regards to the degree of discomfort patient is experiencing. Note the manner in which the patient is sitting. Waiting room में वो किस तरह से बैठा हुआ है, वो अपने elbow को arm को protect तो नहीं कर रहा या स्पोर्टिंग पोजीशन में तो नहीं बैठा हुआ। नोटिस हाउ द पेशेंट इज पोस्टरिंग द अपर एक्सट्रीमिटी, ये सारी चीजें आप ऑब्जर्व करते हो। ऑब्जर्व द पेशेंट एज ही और शी अस्यूम्स स्टैंडिंग पोजीशन, ऑब्जर्व द पेशेंट्स पोस्चर, पे पर्टिकुलर अटेंशन टू द पोजीशन ऑफ द हेड, सर्वाइकल स्पाइन एंड थोरेसिक काइफोसिस, क्योंकि ये सारे अपर लिम्ब सारी चीजें आपका शोल्डर हो गया, सर्वाइकल स्पाइन, हेड, थोरेसिक, तो ये सारे जो अपर लिम्ब से कनेक्टेड हैं, तो अगर एक इफेक्ट होता है तो उसकी वजह से दूसरे का भी पोस्चर खराब, तो ये सारी चीजें आपने साथ साथ नोट करनी है। नोट द हाइट ऑफ द शोल्डर, शोल्डर हाइट्स देखनी है कि कोई शोल्डर एलिवेट या डिप्रेस करके तो नहीं रख रहा। वंस द पेशेंट स्टार्ट टू एम्बुलेट, तो उसमें ये भी चीज ऑब्जर्व करो कि जब वो वॉक कर रहा है या चल रहा है तो आर्म स्विंगिंग कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर नहीं कर रहा तो उसकी वजह पेन है या लॉस ऑफ मोशन है क्या है, तो उस चीज को भी आपने नोट करना है। Does the patient present with cubitus valgus or varus deformity? Deformity के patient के arm में जो है, ये सारी चीजें क्या करोगे आप, आंखों से जाहिर सी बातें ऑब्जर्व करोगे। palpation पे अभी हम नहीं आए हैं, palpation पे इसके बाद आएंगे, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन आती है। तो ये देखोगे कि patient में कोई deformity तो नहीं है, जिस तरह से आपने valgus varus deformities पढ़ी हुई है ना, knee की जैसे होती है तो हम कहते हैं कि जीनो valgus जीनो varus, जो फुट की होती है तो हम कहते हैं इक्वाइनो वेरस इक्वाइनो वेल्गस, इस तरह से जो एल्बो की होती है डिफॉर्मिटीज वेल्गस वेरस डिफॉर्मिटी, उसको क्यूबाइटस के नाम से कहा जाता है, क्यूबाइटस वेल्गस क्यूबाइटस वेरस। जहाँ पे क्यूबाइटस वर्ड यूज हो रहा है वेल्गस वेरस के साथ, तो समझ जाइए कि एल्बो की डिफॉर्मिटीज की बात हो रही है। तो एक होती है क्यूबाइटस वेल्गस, एक होती है क्यूबाइटस वेरस। क्यूबाइटस वेरस को गन स्ट्रोक डिफॉर्मिटी भी कहा जाता है, क्यूबाइटस वेरस की बात की जा रही है, क्यूबाइटस वेरस को गन स्ट्रोक डिफॉर्मिटी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो अभी मैं आपको आगे पिक्चर दिखाती हूँ, उसकी पोजीशन बिल्कुल वो शॉट की तरह होती है। नोट वेदर देयर इज एनी एट्रोफी प्रेजेंट इन द बाइसेप, ये भी नोट करो कि वहां पे बाइसेप की जगह पे कोई मस्क्यूलर एट्रोफी तो नहीं है, अगर मस्क्यूलर एट्रोफी है तो वो सेकेंडरी हो सकती है C5 C6 माइटोमल इन्वॉल्वमेंट की वजह से, और देखनी है कि फोरआर्म में कोई एसिमेट्री तो नहीं है, और इसके अलावा एट्रोफी में भी सेकेंडरी टू द C6 C7 C8 माइटोमल इन्वॉल्वमेंट, तो C5 C6 की वजह से बाइसेप पे होगी, C6 C7 C8 माइटोम्स की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। ये डिफॉर्मिटीज है मोस्टली जो एल्बो में जो डिफॉर्मिटीज कॉमन है, एक तो है वो फ्लेक्जन डिफॉर्मिटी बहुत कॉमन है सबसे ज्यादा, जब भी कोई इंजरी होती है या आर्थराइटिस होती है तो उसकी वजह से फ्लेक्जन डिफॉर्मिटी बहुत ज्यादा कॉमन है, एल्बो जो है वो फ्लेक्जन कॉन्ट्रेक्चर में चला जाता है, वो फुली एक्सटेंड नहीं कर पाता पेशेंट, फ्लेक्जन में रहता है एल्बो, फ्लेक्जन डिफॉर्मिटी कॉमन है। दूसरी है क्यूबाइटस वेल्गस और क्यूबाइटस वेरस, ये पिक्चर क्यूबाइटस वेरस की है, ये गन की पोजिशन देखें और ये क्यूबाइटस वेरस की पोजिशन देखें आर्म की, दोनों आपको सेम लगेंगे। ये जो है आपकी वेरस डिफॉर्मिटी है क्यूबाइटस वेरस दिस वन, ये जो पिक्चर देख रही हो आप व्हाइट शर्ट में, ये क्यूबाइटस वेल्गस डिफॉर्मिटी है, दिस इज क्यूबाइटस वेल्गस डिफॉर्मिटी, दिस इज क्यूबाइटस वेरस डिफॉर्मिटी। क्यूबाइटस वेल्गस में क्या होता है कि ये जो नीचे वाला आपका फोरआर्म है ना, ह्यूमरस की बात नहीं कर रही, रेडियस अल्ना की बात कर रही, जो आपका फोरआर्म है वो लेटरली चला जाता है, और वेरस डिफॉर्मिटी में आपका जो फोरआर्म है वो मीडियली चला आता है। With valgus deformity, forearm moves laterally, but ulna slides medially. इसमें देखो आप valgus deformity में, valgus deformity में कह रहा है कि आपका forearm जो है वो laterally चला जाता है, ulna जो है medially चला जाता है।
अब आप देखें कि फोरआर्म की ये नॉर्मल पोजीशन है, अगर वेलगस की फॉर्मिटी होगा तो फोरआर्म जो है वो कहाँ पे लेटरली शिफ्ट हो रहा है, ये फोरआर्म है, ठीक है, सिर्फ इसको अगर आप गौर करें तो ये लेटरली शिफ्ट हो गया है, और ये तब होगा जब अल्ना जो है इस जगह से वो मीडियल साइड पे ओवर शिफ्ट हो जाए, मतलब अपनी पोजिशन से ज्यादा मीडियली शिफ्ट हो जाए, तो जो है आपकी वेलगस की फॉर्मिटी होती है, तो यहाँ से अल्ना जो है वो मीडियल शिफ्ट हो जाता है और फोरआर्म ये यहाँ से बाहर चला जाता है, तो ये कहलाती है वेलगस डिफॉर्मिटी। और मैंने कहा था कि अल्ना को मीडियल शिफ्ट होने से कौन रोकता है, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, तो वेलगस डिफॉर्मिटी मोस्टली तब होगी जब मीडियल कोलेटरल लिगामेंट उसकी वीकनेस हो जाती है, उसकी जो है वो लैक्सिडिटी हो जाए, तब वेलगस डिफॉर्मिटी हो। वेरस डिफॉर्मिटी में क्या होता है कि आपकी फोरआर्म जो है वो मीडियली शिफ्ट हो जाती है, अल्ना जो है वो लेटरली स्लाइड कर जाती है, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, दिस इज द नॉर्मल पोजिशन ऑफ द फोरआर्म। अब इसमें देखिए फोरआर्म जो है वो मीडियल शिफ्ट हो गए, नॉर्मली इसको यहाँ पे होना चाहिए, ये जो बाहर वाली लाइन देख रहे हो आपको नॉर्मली सेंट्रल पॉइंट इसकी यहाँ पे होनी चाहिए, लेकिन ये कहाँ पे शिफ्ट हो गया है, मीडियल साइड पे, और अल्ना जो है यहाँ से वो अल्ना का हेड जो है वो लेटरली जो है वो शिफ्ट या स्लाइड कर जाता है। नॉर्मली इसको रोकता कौन है, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, अगर किसी वजह से लेटरल कोलेटरल लिगामेंट की लैक्सिडिटी हो जाए तो ये क्यूबाइटस वेरस डिफॉर्मिटी होती है। ये याद रखिएगा क्यूबाइटस वेरस को गन स्ट्रोक कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा आपके पास, क्लियर है वेरस वेलगस डिफॉर्मिटी। सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, एल्बो जो है मैंने बताया था कि स्टेबल जॉइंट है, वेट बियरिंग जॉइंट नहीं है, इसलिए मोस्टली जो प्रॉब्लम्स ओवर यूज इंजरी सिंड्रोम की वजह से होते हैं, या कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो या फिर ट्रॉमा हो, तो उसके नजर में रखते हुए आप सब्जेक्टिव हिस्ट्री पेशेंट से लोगे। You should inquire about the nature and the location of the patient complaints as well as their duration intensity. ठीक है, patient की present history पूछोगे, जिसमें उसकी main complaint पूछोगे, duration intensity देखोगे, note whether the pain travels either above or below the elbow. जो elbow पे pain आ रहा है वो above elbow है या below elbow भी जो है वो radiate कर रहा है, ये देखोगे, note the behavior of the pain during the day night phenomena देखोगे कि day में pain आ रहा है, night नहीं आ रहा है, या constant रह रहा है या इंटरमीडिएट है, ठीक है, ये सारे सवाल पूछोगे, आप लोगों ने पूरी सब्जेक्टिव अच्छे से पढ़ी हुई है, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सही। क्वेश्चंस द पेशेंट्स रिगार्डिंग द यूज ऑफ देयर अपर एक्सट्रीमिटी, ठीक है, उसकी अपर एक्सट्रीमिटी से रिलेटेड भी सवाल पूछोगे कि उसको जो है वो परफॉर्म करने में तो इशू नहीं हो रहा, जैकेट जो रिमूव करता है उसमें तो इशू नहीं है, मतलब जो भी आपकी ओवरहेड एक्टिविटीज है उसमें तो इशू नहीं आ रहा, तो एल्बो की वजह से भी जो है वो आपको इन सब चीजों में प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो ये भी सारे सवाल आप पूछोगे, या हो सकता है शोल्डर का प्रॉब्लम हो और उसकी वजह से एल्बो सेकेंडरी इन्वॉल्व हो, तो आपको पूरा जो है डिफरेंशियली डायग्नोसिस को सही से असेस करना होता है। जस्ट द पेशेंट रेगुलरली पार्टिसिपेट इन एनी विग्रेस स्पोर्ट एक्टिविटी, अगर वो किसी स्पोर्ट एक्टिविटीज में जो है वो इन्वॉल्व है तो उससे रिलेटेड आप सवाल पूछोगे, क्योंकि स्पोर्ट से भी रिलेटेड एल्बो प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, गोल्फर हो गया, टेनिस हो गया, और भी बहुत ज्यादा है, तो वो पूछोगे, पेशेंट का ऑक्यूपेशन पूछोगे, Does the patient have the previous history of the same injury? Previous history पूछोगे, कोई clicking या locking sound तो नहीं है, जो कि mostly तब होता है जब joint में कोई loose body present हो, तो वो पूछोगे, patient disorder may be related to the age, gender, ethnic background, body type, static dynamic posture, occupation, leisure activities, hobbies, general activity level, इन सब से relate कर सकते हैं, तो आप इन सब से related सारे सवाल पूछोगे। अब आ जाते हैं पल्पेशन की तरफ, पल्पेशन में सबसे पहले पल्पेशन जो स्टार्ट करेंगे सुपाइन पोजीशन में भी करवा सकते हैं, पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में भी आप जो है वो कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले जो है वो आप नोटिस करोगे कि कहीं पे लोकलाइज्ड इफ्यूजन तो नहीं है, डिस्कलरेशन तो नहीं है, बर्थ मार्क्स, ओपन साइनसिस, ड्रेनेज, मतलब कोई ओपन वाउंड, कोई इंसिशनल एरियाज तो नहीं है, कोई बोनी कंटोर, मतलब कोई भी बोनी डिफॉर्मिटी तो नहीं है, मसल ग्रेथ एनसेमेट्री, ठीक है, मसल का बल्क देखोगे, मसल एट्रोफी तो नहीं है, हाइपरट्रोफी तो नहीं है, ये सारी चीजें देखोगे आप सबसे पहले पल्पेशन करने से पहले, ठीक है। यू शुड नॉट हैव टू यूज अ डीप प्रेशर, जब भी आप पल्पेट करते हो तो आप कोई भी मतलब डीप प्रेशर से टेंडर नहीं करते पेशेंट को, फ्रेम प्रेशर यूज करना है लेकिन बहुत ही जेंटल होना चाहिए, मतलब हैंडलिंग आपकी फ्रेम होनी चाहिए लेकिन प्रेशर जो होता है वो जेंटल होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा डीप नहीं होना चाहिए, अदरवाइज पेशेंट्स आपको एग्जामिनेशन अलाउ ही नहीं करेगा, नेक्स्ट टाइम आपके पास आएगा नहीं, आपको पल्पेशन के वक्त इस चीज की इसका ध्यान रखना है। एंटीरियर एस्पेक्ट पे जो है वो आपका क्यूबाइटल फोसा होता है,
क्यूबाइटल फोसा का जो बेस होता है, दिस इज द क्यूबाइटल फोसा, क्यूबाइटल ट्राइंगल जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसका ये जो बेस है, ये बेस है, क्यूबाइटल फोसा का जो बेस है वो फॉर्म होता है मीडियल और लेटरल एपिकोंडाइल्स ऑफ द ह्यूमरस। मीडियल और लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, अगर आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करोगे तो ये आपका बेस होता है क्यूबाइटल फोसा की ट्राइंगल का। और मीडियल साइड से आपका प्रोनेटर टीरिस मसल होता है और लेटरल साइड से आपका ब्रेकियोरिडाइलिस होता है। ये आपका मिडिल साइड से आपका प्रोनेटर टीरिस मसल है, ये लेटरल साइड से आपका ब्रेकियोरिडाइलिस मसल। तो ये तीनों मिलके क्यूबाइटल फोसा का ट्राइंगल बना रहे होते हैं।